आप सभी का स्वागत है GLCC न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ फरहान। योगी सरकार 2.0 जब आई तो उसका यही कहना था कि प्रदेश में दंगे नहीं होने देंगे, प्रदेश के भीतर सांप्रदायिक हिंसा नहीं होने देंगे, उन हिंसाओं में जो भी शामिल होगा या जो भी साजिश करता होगा, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, उसे सज़ा मिलेगी, उसे गिरफ्तार किया जाएगा और पुलिस को सारे अधिकार दिए जाएंगे। हर बार की तरह यह बिल्कुल नहीं होगा कि पुलिस शासन के दबाव में हो और अपना कार्य ना कर पाए। देखिए, मौजूदा सरकार पर तरह तरह के आरोप लगते हैं, लेकिन जब सरकार का कोई बेहतरीन कारनामा सामने आता है तो मेरा मानना है विपक्ष को उस पर भी प्रतिक्रियाएं देनी चाहिए। यदि विपक्ष महंगाई की बात करता है तो एक अच्छे प्रशासन और सुशासन की बात भी करनी चाहिए, उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। अभी बीते दिन की बात है, अयोध्या में एक बड़ी हिंसा होते होते बच गई। यहाँ पुलिस की, योगी सरकार की जो पुलिस है, उसकी मुस्तैदी काम आई और इस मुस्तैदी की वजह से एक बहुत ही अप्रिय घटना हो सकती थी अयोध्या में, वह बिल्कुल बचाने में कामयाब रही पुलिस प्रशासन ने जो योगदान दिया और जो उसको अधिकार प्राप्त हैं उसका बखूबी प्रयोग करके पुलिस ने एक बड़ी हिंसा होने से बचा ली। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ अयोध्या में, हम आपको बताते हैं। अयोध्या में 3 मस्जिदें हैं, ताज शाहजामा मस्जिद, घोसियाना मस्जिद, कश्मीरी मोहल्ला मस्जिद और गुलाब शाह बाबा दरगाह। यह 4 जगह हैं, ये 4 धार्मिक स्थान हैं। यहाँ पर कुछ अज्ञात लोगों ने सूअर का मांस, धार्मिक पुस्तक की प्रतियां और कुछ पर्चे चिपकाए। अब यह होने के बाद समाज में रोष उत्पन्न होने लगा। यह आरोप लगाया जाता है कि सरकार एक धर्म या समूह को शायद निशाना बनाती है। यह लगातार आरोप लगाया जाता है। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, कितने गलत हैं, यह अलग बातें हैं, लेकिन मौजूदा घटना ने यह साबित कर दिया है कि सरकार अब निष्पक्ष होकर बिल्कुल काम कर रही है। पुलिस को आदेश दिया है कि किसी भी धर्म समुदाय का आरोपी हो, दंगाई हो, वह बचना नहीं चाहिए। इस अप्रिय घटना के बाद जो इन 3 मस्जिद और दरगाह के पास घटी, पुलिस ने मुस्तैदी से मुजरिमों को, आरोपियों को ढूंढना शुरू कर दिया। CCTV फुटेज भी खंगाली कि कहीं उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार का दंगा ना हो जाए। यह नीति है इस बार की सरकार की 2.0 की कि उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार की भी हिंसात्मक घटनाएं घटित ना हो, वह किसी भी धर्म या समुदाय के द्वारा घटित की जा रही हो, उन आरोपियों को सज़ा मिलेगी। पुलिस ने घटना के लिए CCTV कैमरे खंगाले और काफ़ी तफ्तीश की, जिसमें आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। करीब 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मनीष कुमार मिश्रा, प्रत्युष श्रीवास्तव, नितिन कुमार, दीपक कुमार, ब्रजेश पांडे, शत्रुघ्न प्रजापति और ऐसे 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें महेश कुमार को मुख्य आरोपी के रूप में पेश किया जा रहा है। तो यहाँ इस घटना से यह साफ हो जाता है कि योगी सरकार का इस बार जो मूड है वह बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रदेश के भीतर किसी भी तरह की सांप्रदायिक हिंसाओं को अंजाम देने वाले, बढ़ावा देने वाले या साजिश करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस को चौकन्ना कर दिया है, पुलिस लगातार मुस्तैद है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि अक्षय तृतीया और ईद का जो पर्व है वह एक साथ पड़ सकता है, इन बातों को लेकर भी योगी सरकार ने पुलिस प्रशासन की जो छुट्टियां हैं वह रद्द कर दी हैं और 4 मई तक पुलिस प्रशासन छुट्टियां नहीं ले सकता, ताकि कोई घटनाक्रम घटित ना हो जाए। और इसके अलावा पुलिस प्रशासन को दोनों ही धर्मों के धर्म गुरुओं से मिलने को कहा है और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि यदि इस पर्व के दौरान कोई घटना घटित हो जाती है तो आपकी जिम्मेदारी होगी। काफ़ी जगहों पर हलफनामे भी लिए जा रहे हैं, तो इससे साफ स्पष्ट हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है और किसी भी अप्रिय घटना को घटित होने से पहले ही पुलिस को मुस्तैद कर दिया गया है। यदि किसी प्रकार की घटना को अंजाम दिया जाता है तो आरोपियों को पकड़ने के लिए सख्त से सख्त निर्देश पुलिस प्रशासन को दिए गए हैं। तो यहां भी विपक्ष को निकलकर सामने आना चाहिए। जिस तरह से इस घटना के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है पुलिस प्रशासन द्वारा, तो सरकार की तारीफ करनी चाहिए। बिल्कुल हमारा मानना है कि सरकार के गलत कामों का विरोध भी हो, लेकिन अच्छे कामों की तारीफ भी जरूर की जानी चाहिए। केवल आप गलत कामों का विरोध ना करें, अच्छे कामों की तारीफ करेंगे तो एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा जनता के लिए भी और सरकार के पास भी, सरकार के अंदर भी आत्मविश्वास बढ़ेगा। लेकिन इस वक्त विपक्ष इस तरह के कामों की तारीफ बिल्कुल करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और आपको क्या लगता है, हमारे व्यूअर्स को क्या लगता है, हमारे व्यूअर्स की क्या राय है इस घटना को लेकर, पुलिस की मुस्तैदी को लेकर और पुलिस को दिए गए अधिकारों को लेकर? आपकी राय कमेंट सेक्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।